और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा आज जयपुर नहीं आएंगे। अपरिहार्य कारण से जयपुर दौरा उनका टल गया है। पहले इंडिगो फ्लाइट से चंडीगढ़ से जयपुर आगमन उनका प्रस्तावित था, लेकिन फिलहाल आज का आगमन टल गया है। सुबह 11:45 पर जयपुर आगमन उनका प्रस्तावित था, लेकिन ये जानकारी है कि अपरिहार्य कारण की वजह से उनका दौरा टला है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जयपुर नहीं आएंगे, अपडेट आपको हम बता रहे हैं। दरअसल कारण अपरिहार्य है, जिस वजह से उनका दौरा ये टला है, लेकिन पहले वो इंडिगो फ्लाइट से चंडीगढ़ से जयपुर आने वाले थे। उनका दौरा प्रस्तावित था, आगमन प्रस्तावित था सुबह 11:45 पर, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि अब आज वो नहीं आने वाले हैं जयपुर। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि जयपुर आने वाले थे, फिलहाल अपरिहार्य कारण की वजह से उनका दौरा टल गया है। देखिए, जो जानकारी अभी आई है वो यही है कि वो अब अगले 2-3 दिन बाद जयपुर आने का कार्यक्रम है जी। और अपरिहार्य कारण, क्योंकि ये दौरा बहुत क्रुशियल माना जा रहा था उनका, सचिन पायलट का अनशन है और उसी बीच उनके आने का कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो जानकारी मिली है कि उनका दौरा फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। हो सकता है कि अन्य कांग्रेस से जुड़ी एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट करना है, कोई महत्वपूर्ण बैठकों में उन्हें रहना है, और यही कारण है कि सुखजिंदर रंधावा जो कि प्रभारी है, जिनके बयान रात को सामने आ चुके हैं, सचिन पायलट के अनशन को लेकर भी बयान सामने आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर भी उनके बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन उनका दौरा जो निरस्त हुआ है उसके पीछे यही कारण बताया जा रहा है कि अपरिहार्य कारणों से वो नहीं जयपुर आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर वो जयपुर आते तो निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल की बात होती, लेकिन मुझे लगता है कि अब डैमेज कंट्रोल की बात अब नकार दी गई है कांग्रेस नेतृत्व की ओर से। अब शायद लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर जल्द ही कोई डेवलपमेंट देखने को मिले, कोई और बड़े स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई लीडरशिप अपना स्टैंड सामने लाए। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि सुखजिंदर रंधावा जो कहा जा रहा था कि वो जयपुर आएंगे, सचिन पायलट से भी बात करेंगे जी, और तमाम जो ये घटनाक्रम है इसको लेकर उनकी मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल दौरा चल गया है और अब अगले 2-3 दिन 4 दिन हमें इंतजार करना होगा उनके जयपुर आने का। रंधावा दो टू कहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने दो टू कह दिया है। आज सचिन पायलट का अनशन है, उसके बाद सामने आएगा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहने वाला है। अनशन को लेकर कांग्रेस पार्टी का साफ कहना था कि ये पार्टी विरोधी स्टैंड होगा अगर होता है, लेकिन सचिन पायलट ने यथावत अपना कार्यक्रम रखा है। उनके समर्थक आज पूरे प्रदेश भर से जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों की आने की संख्या भी शुरू हो चुकी है। ठीक है योगेश जी, आप ये बता रहे हैं कि रंधावा का फिलहाल तो ये दौरा टल गया है।